वर्ल्ड कप का मुकाबला नंबर 6 जो खेला जाएगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। वैसे देखा जाए आज दूसरा मैच भी होने वाला है जो नेपाल और नेदरलैंड्स के बीच में खेला जाएगा। आज दोनों मैचेस अच्छे हैं फैंटेसी के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से। दो चीजें मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, अगर आप समझ जाते हैं तो आपका वॉलेट बैलेंस निश्चिंत ही बढ़ जाएगा, और अगर आप नहीं समझते तो फिर मैं भी क्या ही उखाड़ लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कल वाले मैच की बात। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में एक मुकाबला खेला गया। सब बंदों ने अपनी टीम में 2 बैट्समैन 3 कीपर इस तरीके से टीम बनाई। सिर्फ इकलौता मैं ही था जिसने आपको बताया था कि भाई कल वाले मैच में, वीडियो उठा के देख सकते हैं, कि बॉलर ऑलराउंडर भर लेना, बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ 1 लेना और कीपर सिर्फ 2 लेना, कुसल मेंडिस को ड्रॉप कर देना, वानिंडु हसरंगा को आप अपना कैप्टन रखना, और वहीं सारे बॉलर साउथ अफ्रीका के लगभग हमने अपनी टीम में पहले भी रखे हुए थे। तो आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ये मैच को जीतने वाली टीम इंग्लैंड, और दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन, स्कॉटलैंड की टीम। अच्छा, एक और मजे की बात है, दोनों टीम पहली बार आपस में ये भिड़ने वाली है, तो आपके लिए फैंटेसी के लिहाज से ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल मैच साबित होने वाला है। देखो इंग्लैंड तो जीतेगी, ये बात आपको पता है, तो सबसे पहले अपनी ट्रेड इंग्लैंड पे कर देना बिना सोचे समझे, क्लियर। चलो अब हम पहले देखते हैं मैदान कौन सा रहने वाला है। ये आपको मिलेगा बारबाडोस का मैदान। पहले बारबाडोस का मैदान का जो सिस्टम है ना, वो ये है कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में नामीबिया और ओमान का मैच हुआ था, जो 109 रन हमें देखने के लिए मिले थे दोनों ही टीम से, मतलब वो सुपर ओवर वाला मैच था। तो पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी टीम बना लेते हैं तो हम 100% इस मैच में फैंटेसी में विन रेट मानने वाले, क्लियर हो गई ये बात। उससे सभी पहले सबको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी इंसान इस वीडियो को लाइक कर रहा है, लाइक ते कमेंट करके दस्यो, सुनो अब गिव अवे सुन लो पहले सारे, फर्स्ट लाइक एंड कमेंट, 10 लकी विनर्स होंगे, ₹300 का पेटीएम कैश अपने नाम करके चले जाएंगे, 10 बेस्ट कमेंट्स होंगे जो ₹1000 का पेटीएम कैश अपने नाम करके चले जाएंगे। तो अभी से लाइक और कमेंट करना शुरू कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक और चीज, नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स, ये वाला मैच मैं कहां पे कवर करने वाला हूं, ये मैच मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कवर करूंगा, इसकी ट्रेडिंग टिप भी दूंगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, उसमें भी आप अच्छा कमा लेंगे। इसलिए फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाला हुआ है जहां पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक पे टैप करके हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर कमाना चाहते हो वर्ल्ड कप में, साथ जुड़ जाओ, और फिर फाइनल जैसे ही खत्म हो जाए अपना वॉलेट बैलेंस आप लोग चेक कर लेना, क्लियर हो गई है, समझी गई गोपी बहू। अब मैदान पे आ जाते हैं, बारबाडोस के इस मैदान पे एवरेज स्कोर रहता है 150 से 160, और आप मान के चलिए यही एवरेज स्कोर है। हाँ, ये बढ़ जाएगा अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आ जाती है उस केस में। यहाँ पे हाईएस्ट बना है 224 और लोएस्ट यहाँ पे 80 भी देखने को मिला है। मजे की बात ये है क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर वगैरह वाली चीजें नहीं होती है, टाइम जोन बिल्कुल अलग हो जाता है। टोटल मैचेस 23 में से 16 इसी वजह से डिफेंड हुए। अगर आप समझेंगे कि यहाँ पे जो स्कोर है वो डिफेंड होता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार चीज़ें साबित होने लगेगी। यहाँ पे जो चेज हुआ है वो 7 बार हुआ है। जब आप देखेंगे बिलो 150 इन 23 मैचेस में से 8 बार बना है, तो आप समझ जाएंगे कि इस मैदान की जो पिच रहने वाली है वो थोड़ी ट्रिकी और टू पेस पिच होती है। 150-169 के बीच में 6 बार बना है, 6 बार 170-189 के बीच में, और 3 बार यहाँ 190 से ऊपर के स्कोर बने हैं। पिच रिपोर्ट अपने आप में ही हमें ये दर्शाती है कि यहाँ पे फिर से आपको एक ऐसी पिच देखने के लिए मिलेगी जैसे अभी तक हम आईपीएल देख रहे थे, आदत हो गई थी 200, 250 इज द न्यू 200, ये हालत आ गई थी आईपीएल में। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये वर्ल्ड कप है। अब आप देखिए ओमान पहले बैटिंग करके 109 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 10 विकेट पूरे गिर जाते हैं। नामीबिया चेस करने जाती है और डेविड वीजे की मदद से ये सुपर ओवर तक पहुंच जाता है मैच, नामीबिया बनाती है 109 रन। टोटल 16 विकेट गिरते हैं इस मैच में, 240 के लगभग बॉले यहाँ पे डलती हैं, 38 कर लो, उसमें से 11 विकेट, इन 16 में से 11 विकेट कौन लेके जा रहे हैं आप देखिए, पेसर्स।
और पांच विकेट कौन लेके जा रहा है? स्पिनर्स। अब आप देख सकते हैं ये क्लियरली एक चीज अपने आप में दर्शाता है कि आपकी टीम में जरूरत है ऑलराउंडर प्लस बॉलर्स की, इससे ज्यादा आपको अपनी टीम में कोई नहीं चाहिए। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लाइनअप में हम देखते हैं कौन से बॉलर कौन से बैट्समैन आज हमें काम देके जाएंगे और किसको हम ड्रॉप करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं इनकी ओपनिंग साझेदारी। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ये दोनों इनके ओपनर रहने वाले हैं। विल जैक्स वन डाउन आके बैटिंग करते हैं। जॉनी बेट्स तो आते हैं सेकंड डाउन। फिर इनकी टीम में है लियाम लिविंगस्टन, जो अब बॉलिंग भी ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि ये पिच स्पिन को भी बहुत मदद कर रही है। हैरी ब्रूक, जिनकी जरूरत इस मैच में आपको दिखेगी ही नहीं। फिर आते हैं मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर। अब आप देखें अगर इनमें से कौन से बॉलर है जो अपना स्पेल कंप्लीट करके जाएंगे। पहले होते हैं जोफ्रा आर्चर, पूरे चार ओवर डालेंगे, ये आपको दिखेंगे पावर प्ले प्लस डेथ में। दूसरे मेन बॉलर होते हैं आदिल रशीद, ये अपने पूरे चार ओवर डालेंगे मिडल ओवर के फेस में, मतलब 6 से 15 के बीच में ये अपना स्पेल खत्म करके निकल जाएंगे। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन, ये आपको पावर प्ले प्लस डेथ में मिलेंगे सैम करन के साथ। तो ये जो चार बॉलर हैं ये इनके मेन बॉलर हैं जो कम से कम 15 से 16 ओवर कराते हुए आपको पूरे मैच में दिखेंगे। अब आगे चलते चलते बात आ जाती है मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन, ये इनके हैं पांचवे और छठे बॉलिंग ऑप्शन जो मिला के चार ओवर कराएंगे। अगर यहां पे थोड़ी सी भी स्पिन को मदद ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है उस केस में आप मानिए सैम करन के ओवर काट लिए जाएंगे और वहां लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली अपने रिमेनिंग ओवर करा के निकल जाएंगे। देखो वैसे तो इनके बीच में कभी हेड टू हेड हुआ नहीं है, पर इस मैदान पे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मैचेस खेले हुए हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का दौरा करके आई थी अभी इंग्लैंड की टीम और अच्छी खासी पटकनी भी खाई थी, कुछ मैचेस तो बहुत ही बुरी पटकनी खाई थी। जॉस बटलर कभी नहीं खेले हैं लेकिन इस मैदान पे 6 मैच में इनकी 19 की एवरेज है, 118 रन है। आप देखेंगे जब जॉस बटलर का नाम आता है 19 की एवरेज बहुत कम हो जाती है, लेकिन पिछले 5 मैचेस जब आप उठाएंगे 39, 84, 21, 19, 0। फिल सॉल्ट इनके नए ओपनिंग पार्टनर, 4 मैच इन्होंने भी खेले हैं, 100 रन है, 25 की एवरेज है जो कि बहुत अच्छी एवरेज है और ये विकेट के पीछे से या फिर कैचेस वैचेस से कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट्स लाके दे ही देते हैं। लास्ट 5 मैचेस 45, 13, 6, 32, 5। जैक्स ने इस मैदान पे 1 मैच खेला उसमें 17 रन बनाए थे, उससे पहले 20, 37, 41, 12, 1 बॉलिंग 2 मैच में कराई और दोनों में विकेट लेस रहे थे। जॉनी बेट्स तो कभी नहीं खेले इस मैदान पे लेकिन पिछले 5 मैचेस में 28 नाबाद 21, 14, 27, 7। लियाम लिविंगस्टन इस मैदान पे 4 मैच 60 रन प्लस 4 विकेट, ये चीज आपके देखने के लिए कि आपको लियाम लिविंगस्टन के कम से कम 3-4 ओवर देखने को मिल जाएंगे। 2 विकेट पिछले मैच में, 2 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट और 1 रन 0 विकेट यहां पे है लियाम लिविंगस्टन का। अब हम आते हैं हैरी ब्रूक पे, जिन्होंने इस मैदान पे सिर्फ 2 मैच में 11 रन बनाए हैं, 17, 1, 65, 126 नाबाद की बहुत बड़ी पारी और 3 रन 0 रन। अगर ये चेस करने आती है तो आप मान के चलिए लियाम लिविंगस्टन तक ही आपको बैटिंग देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको बैटिंग ज्यादा इस मैदान पे चेस में नजर नहीं आएगी क्योंकि मुझे लगता है इंग्लैंड ऊपर से ही चेस करके निकल जाएगा। बॉलिंग अटैक, मोइन अली 7 मैच में 5 विकेट 116 रन इस मैदान पे बहुत अच्छा करके जाते हैं हमेशा से। लास्ट 5 मैचेस जब आप इनके उठाएंगे तो 1 विकेट 4 रन 2 विकेट, 10 रन 56 रन 17 रन। सैम करन 1 मैच खेले थे, 13 रन बनाए थे और विकेटलेस गए थे, लेकिन पिछले 5 मैच में जबरदस्त फॉर्म में, बहुत जबरदस्त कहूंगा मैं, 63 नाबाद 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 26 रन 0 विकेट और 1 विकेट, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं। जॉर्डन 5 मैच में 4 विकेट और पिछले 5 मैच में भी इनके 4 विकेट ही हैं। आदिल रशीद इस मैदान पे 6 मैच में 9 विकेट, क्यों? क्योंकि स्पिन टू विन, इस चीज का ध्यान रखना, और पिछले 5 मैच में 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। अब हम आते हैं जोफ्रा आर्चर पे, आप देखिए लास्ट 5 मैचेस में 1-2-1-0-0 ये हैं इनके रिकॉर्ड्स। बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा मजबूत है और स्कॉटलैंड के इस लाइनअप के आगे मुझे लगता है आज आपको 130-40 भी देखने को मिल गए तो गनीमत होगी क्योंकि ये पिच भी थोड़ी वैसी है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ओपनर, जॉर्ज मुंसी, ओली हेयर्स, फिर इनके पास है ब्रैंडन मैकमिलन जो बहुत उभरते हुए खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड की तरफ से,
फिर आते हैं रिची बैरिंगटन, जिन्होंने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है स्कॉटलैंड के लिए और काफी ज्यादा फेमस भी हुए हैं। मैथ्यू क्रॉस, ये ठीक ठाक कर जाते हैं, ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड की एक सीरीज हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है, उसमें क्रॉस ने अच्छे क्रॉस शॉट्स मार के अपनी टीम को कई बार सम्मानजनक स्कोर पे भी लेके गए हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी करी इन्होंने। फिर आते हैं माइकल लिस्क, ये बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है जो दो धारी है, बॉलिंग भी कराते हुए नजर आ जाएंगे, बैटिंग भी करते हुए आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं क्रिस ग्रीव्स, क्रिस ग्रीव्स ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, स्पिन भी करा सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। मार्क वाट, ये है इनके छुपा रुस्तन लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ये तीन प्लेयर मुझे ऐसे नजर आते हैं, लिस्क, ग्रीव्स, वाट, जो स्कॉटलैंड की तरफ से इतने पॉइंट्स आपको दे जाएंगे। ध्यान से सुन लो, ग्रैंड लीग में कायम आएंगे ये तीनों प्लेयर, ग्रैंड लीग में कम से कम दो दिखने चाहिए मुझे जीएल में, ड्रीम टीम में। फिर आते हैं मार्क वाट के, अब ये तीन जो प्लेयर हैं यहां से होती है मेन खेल शुरू। ब्रैड व्हील, ये बंदा आपने अंडर मेंस में बहुत खेलता हुआ देखा होगा, क्रिस सॉल, ब्रैडली करी। अब ये टीम इंग्लैंड से बिड़ रही है, हमें पता है वर्ल्ड कप का पार्ट है तो खेलना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाइए परेशानी में ही रहने वाली है। जॉर्ज मुंसी इनके बहुत सीनियर प्लेयर हैं और ओपनिंग करने आते हैं, लास्ट पांच मैचेस में 28-6, 12-72, 21। ओली हेयर्स, 20 नाबाद 9 रन 15 रन 4 रन 0 रन। ब्रैंडन मैकमुलन, 7 रन 0 विकेट 0 विकेट 9 रन 1 रन 1 रन। लेकिन इनका फ्यूचर थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता है स्कॉटलैंड की तरफ से लंबा क्रिकेट खेलने वाले हैं। रिची बैरिंगटन, अब आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन में भी मिल सकते हैं किसी ऐप पे और किसी ऐप पे बैटिंग वाले में, लेकिन अब ये बॉलिंग बहुत कम कराते और इनकी बॉलिंग में कोई धार भी नहीं है। 1 रन डिड नॉट बैट 13 रन 0 रन 39 रन, इनकी परसेंटेज ज्यादा होगी हम ड्रॉप करेंगे, फायदा लेंगे। मैट क्रॉस, 1 रन डिड नॉट बैट 35-14-49। आप देखिए सारे बैट्समैन में कोई दूसरे नंबर पर अगर सबसे अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो है मैथ्यू क्रॉस। अब हम आ जाते हैं लिस्क, 6 रन 0 विकेट 34 रन 0 विकेट 9 रन 1 विकेट 3 रन 1 विकेट। तो यहां पे आप देख के समझ सकते हैं कि ये बंदा बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको करके देगा, और हमें यही बंदे चाहिए ऐसे मैदान पे जो बैटिंग प्लस बॉलिंग करके दे। क्रिस ग्रीव्स, 1 विकेट 0 विकेट 1-2-0, इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है और मैं आपको पहले ही बताया था इनको बैटिंग भी ठीक ठाक आती है। मार्क वाट, लास्ट पांच मैचेस में देखिए 34 रन 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 19 नाबाद और 4 विकेट अपने हाथ और 1 विकेट उससे पहले वाले मैच में। ब्रैड व्हील, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा खेली है क्रिकेट भी, 1 विकेट डिड नॉट बैट 0-2-1। ब्रैडली करी, लास्ट पांच मैचेस में अच्छा करके आए हैं, 2-1-0-2-1, तो हो सकता है ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए एक अच्छा पिक हो, अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी तो करी कम से कम 1 विकेट तो लेके जाने ही वाला है। क्रिस सोल, लास्ट पांच मैचेस देखिए 3 विकेट डिड नॉट बॉल 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। लगातार पांच मैचेस में अगर कोई विकेट लेने वाला बॉलर इनकी तरफ से नजर आता है तो वो है सोलली सोल। अब इनके बीच में कभी पहले कोई मैच नहीं हुआ है तो अब हम सीधा अपना जंप करेंगे, मैचअप्स भी नहीं हो सकते, सीधा हम जंप करने वाले हैं अपनी मेन स्लाइड पे, मतलब फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स की तरफ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, अच्छा खासा मौका है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं करी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, लाइक अभी करें, कमेंट दिल खोल के करें, अच्छे कमेंट, दिल से जो सवाल आ रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आगे का कुछ भी हो अभी कमेंट करके शुरू हो जाइए। और मुझे लगता है फैन अटेंडेंस यहाँ पे इंग्लैंड की ज्यादा होगी, और आपको क्या लगता है कौन मैच जीतेगा ये आप बता सकते हैं। ब्लू हर्ट फॉर स्कॉटलैंड, रेड हर्ट फॉर इंग्लैंड, इस चीज का ध्यान रखना। की प्लेयर्स देखो, जॉस द बॉस, आप समझ जाइए सामने बॉलिंग अटैक इतना मजबूत नहीं है, अपने आप में ये की प्लेयर बन जाते हैं ये, क्यों, क्योंकि इस मैदान पे अगर ये चेस करने जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको इतने सारे पॉइंट्स देके ये चले जाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। सॉल्ट, चेस करने अगर ये टीम जाए, एक बार दोनों को सीवीसी बना देना, बटलर और सॉल्ट को 10 विकेट से जिता के कोई भी बॉलर मत लेना स्कॉटलैंड की तरफ से, स्कॉटलैंड से ले जाना और फिर बाकी सारे बैट्समैन ड्रॉप कर देना, मतलब 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाना, 2 ओपनर 5 बॉलर्स, खत्म, बस इतने से ही खेलना। फिर आते हैं आदिल रशीद, देखो इनकी परसेंटेज 75 है और जस्टिफाइड भी है, क्यों, क्योंकि इस मैदान पे इनके 6 मैच में 9 विकेट है। अब आप देखिए जो मिडल ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उस दौरान अगर आपको कोई विकेट देते हुए नज़र आएगा तो आदिल रशीद है, और ये पिच इनको मददगार भी साबित होती है।
जोफ्रा आर्चर का जो पेस है मुझे नहीं लगता वो संभाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगता, दूर दूर तक नजर नहीं आता कि जॉर्ज मुंसी भी संभाल पाए या ओली हेयर संभाल पाए। आते ही पावर प्ले में आपको आर्चर की तरफ से एक दो बोल्ड भी नजर आ सकते हैं, और अगर डेथ तक पहुंच गए तो बंदा 3-4 विकेट खोल देगा। लिस्क 83% सिलेक्शन है, अब आप समझ जाइए क्यों है, क्योंकि ये बंदा आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीजें करके देता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आपकी टीम में ये हो। अब देखो सीवीसी, बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं, कैप्टन निकालो इंग्लैंड से प्लस वाइस कैप्टन भी इंग्लैंड से ही आपका होना चाहिए। अब सोचने वाली बातें मैं बता देता हूं, इस वाइस कैप्टन वाले ऑप्शन को मैं काट रहा हूं, क्यों? फर्स्ट बॉलिंग करे इंग्लैंड तो आदिल, जॉर्डन, जोफ्रा सबसे बेस्ट है, इन्हीं में से कोई सीवीसी निकलने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब चेज में आप बटलर को सी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्ट को फिर वीसी एक ही केस में करना दोबारा नहीं। फर्स्ट बैटिंग में आप विल जैक्स के साथ भी एज योर कैप्टन जा सकते हैं, या फिर विल जैक्स को हटाइए, सॉल्ट को हटाइए और अपना कैप्टन बनाइए किसे, लियाम लिविंगस्टन को। अब आप कहोगे यार ये इतना डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, आपको सेकेंड इनिंग में ये बंदा 4 ओवर भी कराते हुए नजर आ जाएगा लियाम लिविंगस्टन, और आपको बैटिंग करते हुए भी नजर आ जाएगा, क्योंकि डेथ में इन्हें भेजा जाएगा बल्ला चलाने के लिए और वो बल्ला चलाने में माहिर है, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। आप देख लेते हैं दोनों टीम कभी आपस में नहीं भिड़ी है तो कौन चलने वाला है कौन नहीं। देखो बटलर, सॉल्ट, जॉर्डन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और लियाम लिविंगस्टन अगर फर्स्ट बैटिंग करेंगे इंग्लैंड की टीम, मेरी तरफ से ओके है। और यहां से 3 प्लेयर बताए हैं, लिस्क, ग्रीव्स, वॉट, ये 3 प्लेयर आप अपनी जीएल और एसएल टीम में दोनों में रख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा फिर इस मैच में। क्लियर विनर है कोई, मैं बहुत बड़ी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं इंग्लैंड जीतेगी तो जाने देते हैं। अब बात आती है हमारी स्मॉल लीग टीम की जो हम बनाने वाले हैं माई मास्टर 11 पे। अभी आपने देखी होगी माई मास्टर 11 पे मेरी विनिंग थी 12.5 लाख रुपए के करीब, जो मैंने मैच खेला था वेस्ट इंडीज और पीएनजी का, वर्ल्ड कप का अभी तक एक ही मैच खेला है, उसमें 12,14,000 रुपए की प्रॉपर विनिंग है, लाइव प्रूफ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, माई मास्टर 11 पे ही जीता था मैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप खेलते हैं स्मॉल लीग और कुछ ऐसे लीडर बोर्ड यहां पे चल रहे हैं जो किसी और ऐप पे नहीं है, तो आप डाउनलोड करिए माई मास्टर 11, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, एफ काउंसिल यूज करना बिल्कुल ना भूलें, प्रोमो कोड है जी। चलो कीपर में जॉस बटलर, सॉल्ट दोनों ले लेते हैं, बैटिंग में किसको ले, देखो लोग लेके आ रहे हैं मुंशी को, रिची बैरिंगटन को भी और विल जैक्स को भी। विल जैक्स क्यों, क्योंकि वन डाउन आके बैटिंग करने वाला है, मैकमुलन का भी 31% है और बाकी किसी का कुछ खास नहीं, ऑलराउंडर में चलते हैं। सैम करन को ले लो, लिस्क को ले लो, लियाम लिविंगस्टन को मैं लूंगा, शायद हमारा साबित हो जाए ये बंदा वो क्या बोलते हैं डिफरेंशियल पिक। आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, अब कोई और बॉलर बचा है, जॉर्डन, हमारे पास कितने हो गए 9 प्लेयर। अब हमारे पास 2 प्लेयर की जगह बचती है, वो 2 प्लेयर कौन से होंगे जो मैंने आपको वीडियो में बताया, एक मैं रख रहा हूं मार्क वॉट को और एक हम रख सकते हैं ग्रीव्स को। लेकिन अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे मेरी वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया कि यहां पे हमारे पास जॉनी बेरिस तो नहीं है, अगर 2 विकेट गिर गए तो उस बंदे की बैटिंग आ जाएगी, यहां पे थोड़ी फसैट हो जाएगी। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा होगा तो उस केस में आपको किसे रखना होगा, जेबी को, फिर किसी एक को ड्रॉप कर दो, ग्रीव्स को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी टीम यही बनाओ। सीवीसी की जब बात आएगी, देखो आपके अपोनेंट का भी कैप्टन बटलर ही रहने वाला है चाहे आप कुछ भी करिए, तो आप सीवीसी में बटलर के साथ जाके इधर जोफ्रा आर्चर या फिर आदिल रशीद को अपना वीसी बना सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा मेरी टीम में, यही टीम रहने वाली है, एक चेंज जो जेबी वाला हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नेपाल और नीदरलैंड का मैच भी हम खेलेंगे और साथ ही साथ ये वाला मैच भी हम खेलेंगे, जैसे इसका टॉस होगा टीम आ जाएगी। वीडियो जिसने लाइक नहीं करी है लाइक कर दो, फिर देखना अपने जीत का परचम लहराते हुए, और हम मिलेंगे इस मैच के टॉस के बाद।